हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दीतिमन। ICFRE वर्षावन अनुसंधान संस्थान से परमानेंट सरकारी जॉब की वैकेंसी आई है। ट्वेल्थ एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। भारत में किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आपने 12वीं पास की है, आपने ग्रेजुएशन पास की है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। सैलरी यहाँ पर 45,000 मिलेगी, ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब रहेगी, आप लोगों की सरकारी नौकरी रहेगी। एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज भी जो है यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट एडवर्टीजमेंट मेन वेबसाइट पर जाकर। तो ये इसकी जो है मेन वेबसाइट है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान की। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूं मैं, 29 अगस्त को जो है ये एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। यहाँ पर पोस्ट का जो नाम है, कुल 7 पोस्ट हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की पोस्ट है, अनरिजर्व यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो है 5 पोस्ट है, OBC की 1 है और ST 1 है। सैलरी यहाँ पर क्या दी जाएगी, तो सैलरी जो है स्केल ऑफ पे आपका रहेगा यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200 तक जो है वो सैलरी आपको मिलेगी। एज लिमिट 18 साल है मिनिमम और 27 साल अधिकतम है। और यहाँ पर एक छोटा सा नोटिस भी जारी किया गया है, एज रिलैक्सेशन जो है OBC को 3 साल की छूट और ST को 5 साल की छूट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है और साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, LDC की पोस्ट है, तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी या इंग्लिश में जो है होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन का और जनरल इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस पूछा जाने वाला है। एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 रुपीज यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद नीचे आप आएंगे, लास्ट डेट जो है वो आप लोगों को देखनी है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 29 सितंबर। 29 सितंबर से पहले जो है वो आप लोग यहां पर आवेदन कर दें। एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो मेन वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है जो कि मैंने आपको दिखाया, और यहां पर आप लोगों को रिक्रूटमेंट इसको ओपन करना है और ये आपको नजर आ जाएगा। सबसे ऊपर जो है एडवर्टीजमेंट दी गई है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे जो है वो आप लोग फिल कर लेंगे, तो इसी एड्रेस पर आप लोगों को भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म। और साथ में आप लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज यानी 10th की मार्कशीट चल जाएगी, और सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 12th जो है यहाँ पर मांगी गई है। इसके साथ अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन की है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर OBC और ST कैंडिडेट यदि एप्लीकेशन करना चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, तो अपना जो है सर्टिफिकेट जो है वो जरूर आप लोग यहाँ पर लगाएं। लिफाफे के ऊपर जो है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC ये जरूर लिखना है, ठीक है। बाकी जो है एडवर्टीजमेंट में और भी कई चीजें जो कि आपको पढ़नी है, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहां पर भी दी गई है और मैं भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग आराम से इसको पढ़ सकें। नीचे जो है यहां पर हिंदी में एडवर्टीजमेंट दी गई है, भर्ती सूचना, अवर श्रेणी लिपिक, ठीक है, 5 है जनरल कैटेगरी की, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 है, अनुसूचित जनजाति की 1। तो यहां पर सैलरी जो है वो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, 19,900 से 63,200। तो हिंदी में भी जो है वो आप लोग एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है, उसके बाद रिक्रूटमेंट पर आप लोग आएंगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो सीरियल नंबर 1, 2 और 3 आपके काम का है, जहां पर 1 आपको एडवर्टीजमेंट, 2 एप्लीकेशन फॉर्म और 3 यहां पर एज रिलैक्सेशन जो OBC और ST को दिया जा रहा है, तो वो जो है पेज आपको दिखाई देगा। तो एप्लीकेशन करिएगा समय से पहले, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।